हाय दोस्तों, बिहार भूमि वेबसाइट में एक नया अपडेट आया है, क्योंकि पूरा वहाँ का पूरा सिस्टम बदला गया है। तो चलो आपको दिखाते हैं कि कैसे बदला गया और क्या क्या बदला गया है। चलो अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं अपना क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करते हैं लैंड रिकॉर्ड। के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये ऊपर वाले पे सबसे पहले क्लिक करें। क्लिक करने के बाद और अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में ज़रूर कर लें। सबसे पहले देखते हैं इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। उसके बाद दाखिल खारिज आवेदन तिथि देखें, चेक करने का तरीका है वो। उसके बाद ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें और इसको ऑनलाइन एलपीसी का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद लगान का रसीद काटने का, उसके बाद परिमार्जन जमाबंदी पंजी देखें। तो सबसे पहले ऊपर ओपन करते हैं। इसमें देखते हैं जैसे ही आप पहले था वैसे ही है, थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। उसके बाद ऑनलाइन लगान वाला देखते हैं। ऑनलाइन लगान वाला भी लगभग ऐसे ही है। उसके बाद जमाबंदी पंजी देखते हैं। दोस्तों कि जमाबंदी पंजी में बहुत ज़्यादा अपडेट किया गया है, इसका पूरा सिस्टम बदला गया है। इसमें सुविधा दिया गया है, बाकी सब पहले की तरह ही है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और शेयर ज़रूर करें क्योंकि ताकि जल्द से जल्द सब लोगों के पास ये पहुंच जाए ये नया अपडेट। इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।